बिलासपुर में पूर्व प्रवक्ता व पूर्व महासचिव जिला कांग्रेस संदीप संख्या ने प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि बिलासपुर में खेल मंत्री अनुराग की आशीर्वाद रैली अर्की होते हुए बिलासपुर पहुंची, जिसमें बिलासपुर में अनुराग ठाकुर की आशीर्वाद रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने ना तो कोविड 19 का पालन किया ना मास्क का प्रयोग किया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना केस के बढ़ने से हिमाचल में रैलियों और समारोह पर पाबंदियां लगा रहे हैं और स्कूल को आगामी तिथियों पर आगे बंद रखने की बात कर रहे हैं ताकि कोरोना महामारी पर अंकुश लगाया जा सके। दूसरी तरफ उनके ही नेता अपनी सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, ना सामाजिक दूरी ना मास्क पहने हुए नजर आए और शरेआम कोविड 19 की बिलासपुर शहर ही नहीं बल्कि जहां भी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आशीर्वाद रैली में पहुंचे, समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना महामारी की धज्जियां उड़ती नजर आई। नमस्कार, आज मैं आप लोगों को अपना वक्तव्य एक कांग्रेस नेता या पूर्व महासचिव होने के नाते दे रहा हूं। मैंने आज बिलासपुर के अंदर देखा, जबकि मैं पिछले कल से ही देख रहा हूं कि जब से हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो हिमाचल के अपनी आशीर्वाद यात्रा पर आए हैं, तो कोविड के नियमों की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं उनके बारे में प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि मैं तो ये सीधे सीधे तौर पे समझ रहा हूँ कि दो लहरें कोविड 19 की जो थी इस प्रदेश में झेल रही हैं, अब जो तीसरी लहर आने वाली है उसके बारे में जो है अनुराग ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, ये जो इनकी इतनी बड़ी यात्रा इन्होंने रखी है और ये जो हजूम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इकट्ठा कर रहे हैं और एकदम से मैंने देखा इनकी जो सीटिंग व्यवस्था थी, इवन जो मंच पे भी जो लोग बैठे हुए थे वहाँ पे कोई भी इस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग या सीटिंग डिस्टेंसिंग कोई भी तरह की इस तरह की कोई भी यहाँ पे कवायद वहाँ पे रखी नहीं थी। और ये सिर्फ अपने इनके लिए तो ये होता है कि अगर बंगाल के चुनाव खत्म हो गए, हमारे जो लोकल पंचायतों के चुनाव खत्म हो गए और जो अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव खत्म हो गए तो उसके बाद कोविड शुरू कर देंगे। लेकिन इनको ये भी लग रहा है पता कि जो अभी जो इतनी बड़ी ये यात्रा और इतना बड़ा हजूम जो ये पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर लेके जा रहे हैं, तो ये जो कोविड की तीसरी लहर है, मैं तो ये कहता हूँ जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं वो खुद ही कोविड की तीसरी लहर साथ लेके आ रहे हैं। इसके बारे में प्रदेश सरकार को देखना चाहिए, है ना। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं, जो इसकी प्लानिंग्स करते हैं, जो हमारे मेडिकल के जो बड़े सेक्रेटरी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं, इन चीज़ों को देखना चाहिए और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये किस तरह का हजूम इकट्ठा कर रहे हैं और कोविड के दौरान इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो ये जनता के अंदर और प्रदेश की जनता को भी इसके अंदर सोचना पड़ेगा कि खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रदेश के अंदर कोविड फैलाने में बड़ी सक्षम भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद। एन स्टार न्यूज के लिए कुठेड़ा से विनोद चड्डा की रिपोर्ट।